हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एड इन्फो टीवी। मैं हूं मिस्टर जरो और एज अ प्रॉमिस मैं वापस आ चुका हूं। यार मैंने वादा किया था लास्ट वीडियो में कि मैं लेकर के आ रहा हूं अजमत हुसैन के ऊपर में एक वीडियो, जो कि उन्होंने आज ही के दिन में, आज ही के दिन हो सकता है कि कल के दिन, अगर ये वीडियो डिले हुआ तो कल के दिन, आज ही देख रहे हो तो भाई आज ही के दिन में उन्होंने एक नया गाना लाया है जिस गाने का नाम है और इस दिल में क्या रखा है। टाइटल में रखा उन्होंने संजय दत्त, जरूरत नहीं थी, अजमत हुसैन नाम ही काफ़ी है। बाय द वे, इस गाने को सुनने के बाद में जो आपको फीलिंग आएगी ना बॉस, आप बोलोगे कि ये बंदा जो है हमारे इंडिया का अताउल्ला खान है। अब ये मत कहना कि अताउल्ला खान कौन है, भाई अताउल्ला खान वही इंसान है जिसके गाने को कॉपी मार करके सोनू निगम जो है लैमलाइट पे आए थे और उनके सारे गाने सुपर डुपर हिट हो चुके थे। अगर आपको गाना याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, वो गाना ये था कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, जो कि एक पाकिस्तानी सिंगर ने जो है एक कव्वाली टाइप में गाया था। उनकी आवाज़ की खास बात ये थी कि वो जब भी गाते थे तो ऐसा लगता था कि भाई ये लिटरली रो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही आवाज़ साउंड करता था उनका, और इसी आवाज़ की झलक जो है आपको कभी कभी बी प्राक के इसमें भी दिखता है। पर यार बी प्राक की बात जो है एकदम अलग है, वो एक अलग लेवल अलग जॉनर में ही गाते हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ यहाँ पे अजमत हुसैन की। अजमत हुसैन के इस वीडियो को देखने के बाद में आप इतना तो समझ जाओगे कि ये अपनी जर्नी खुद तय कर रहे हैं और इनको जो है कोई भी ब्रांड जो है अपने साथ में टाई अप करके नहीं लिए हैं। ये खुद से अपने गाने पे खुद इन्वेस्ट किए हैं और इन्होंने खुद के यूट्यूब चैनल पे डाले हैं। इस वीडियो को देख करके इतना समझ में आया है कि इनके पास जो भी था उन्होंने वहाँ पे लगाया और एक अच्छा खासा, मतलब ठीक ठाक सा कोरियोग्राफर लेकर के जो है इस गाने को कोरियोग्राफ करवाया गया है। इस गाने की खास बात ये रहेगी कि जब आप इनके आवाज में गाना सुनोगे, यानी अजमत के आवाज में जब आप गाना सुनोगे, तो उसको सुनने के बाद में आप एक ही चीज कहोगे, यार इतना सारा दर्द कहाँ से बटोर कर लाते हो। पर हाँ, एक चीज़ मैंने और भी नोटिस किया कि अजमत हुसैन की आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है वर्ड्स को लेकर के, आवाज़ को नहीं, जो वर्ड्स वो बोल रहे हैं, जैसे कि त को ट और ड को ढ, तो वो चीज़ की डिफरेंस बहुत ज़्यादा फील हो रही थी जो मुझे लगा, मैंने वो बोला बॉस। बट आई एम अ ट्रू फैन ऑफ अजमत हुसैन और अजमत हुसैन को क्यों मैं इतना एडमायर करता हूँ और क्यों, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी को पता है। अब बात करते हैं इस गाने को, या रीच, इस गाने की रीच उतनी नहीं पहुंची है जितनी पहुंचनी चाहिए थी। जब मैं देख रहा था ये गाना जो है लगभग 50 या 60 हज़ार आई थिंक था, और इनके चैनल पे सिर्फ और सिर्फ 36,000 ही सब्सक्राइबर है। यार मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, आप लोग जितना भी प्यार इस चैनल पे दे रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा प्यार अजमत हुसैन के चैनल को जा करके दो, क्योंकि इंडिपेंडेंट सिंगर को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके टैलेंट जो है और भी निखर कर आ सकती है, पर उनके पीछे में कोई स्टोरी नहीं रहता ना, और अपने आप को कुछ अलग तरह से पोर्ट्रे नहीं कर रहे होते हैं। अब आप कह सकते हो यार कि मैं कुछ अलग तरह से या कुछ अलग नज़रिया से कह रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी है मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ गो एंड सपोर्ट, अगर आपको चैनल नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं चैनल का जो है लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से या प्लीज़ क्लिक करो और उनके चैनल पर पहुँचो। और इनका जो है ये सेकेंड वीडियो है, सेकेंड वीडियो, एक वीडियो जिसके ऊपर में वो हारमोनियम के ऊपर में रियाज करते हुए देखे गए थे, और दूसरा वीडियो जो है ये वीडियो है जो वीडियो के बारे में मैंने बात किया है। गाने को सुनकर के देखो, दिल में एक अलग सी राहत पहुंचेगी। सो प्लीज़ यार गो एंड वॉच एंड सपोर्ट अजमत हुसैन, और जितने भी अजमत हुसैन के लवर हैं प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? आप लोग इतना दबा करके वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। और जितनी भी सिंगिंग के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है ना बॉस, वो मैं बाय डिफॉल्ट लेकर के आता हूँ। तो डोंट गो एनीवेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, साइन एंड अस्ता ला विस्ता।